हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूरोलेट एंड टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये किस कंपनी की बनाई हुई है, कितने की ये टैबलेट आती है, किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, इसके यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस टाइम पर इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं इस टैबलेट से जुड़ी सारी जानकारी अभी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना बोलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं न्यूरोलट एंड टैबलेट के बारे में। दोस्तों न्यूरोलट एंड टैबलेट ये सिप्ला कंपनी की बनाई हुई, यानी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी की टैबलेट बनाई हुई है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 56 रुपीज़ की 10 टैबलेट्स मिल जाती है, यानी कि 56 रुपये की आपको 10 गोली मिल जाएंगी। ये टैबलेट आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट के अंदर नॉर्थस्ट्रॉन 5 mg में दिया गया है। नॉर्थस्ट्रॉन का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है पीरियड्स की डेट को आगे या पीछे करने के लिए, यानी कर लेते हैं इसके सारे यूजेस विस्तार से। दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ महिलाओं को आने वाले पीरियड्स को डिले करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये टैबलेट सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन की तरह ही काम करती है। इसका यूज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में किया जाता है दोस्तों, जैसे कि मेंसुलर डिसऑर्डर या फिर एबनॉर्मल वैजिना ब्लीडिंग में, जो कि हॉर्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से हो जाती है। दोस्तों उसे ठीक करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसका यूज़ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इस टैबलेट का यूज़ एंड्रोमेंटल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी डॉक्टर इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टैबलेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है पीरियड्स की डेट को आगे पीछे करने के लिए इस टैबलेट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जानते हो हर टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, वहीं इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसका ज़्यादा यूज़ करने से इन रेगुलर मेंसन पीरियड्स हो सकते हैं, नींद भी आपको बहुत आ सकती है, चेहरे पर बाल आ सकते हैं, धुंधला दिखाई देने लगेगा, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, कफ में ब्लड, हाथ पैरों में दर्द, चक्कर आना या फिर बॉडी में सूजन का होना या फिर एलर्जी का होना। दोस्तों इसके ये कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा आप इस टैबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। इसका यूज़ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि प्रेगनेंट महिलाएँ, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या फिर शुगर की प्रॉब्लम हो या फिर जिसे इनरेगुलर मेंसुरल ब्लीडिंग होती है या फिर आपकी सर्जरी हुई है, तो आप इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 18 साल से ऊपर की लड़की या फिर कोई भी महिला इस टैबलेट का यूज़ कर सकती है। इस टैबलेट का यूज़ सुबह और शाम खाना खाने के बाद ही किया जाता है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।